दिल्ली जयपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे मानेसर पॉलिटेक्निक में करीब 78 लाख की जुगैर कार अचानक आग का गोला बन गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जगुआर कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इन्हें चिन्याली सौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया है। यहां रात भर इन्होंने आराम किया। उत्तरकाशी के सीएमओ आरसीएस पवार ने बुधवार को सुबह बताया कि सारे मजदूर स्वस्थ हैं, उनको दोपहर तक एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। एक फेसबुक अकाउंट से सलमान को यह धमकी दी गई है। इस अकाउंट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई है। मुंबई पुलिस ने इसके बाद सलमान की सुरक्षा का एक बार फिर से जायजा लिया है। पिछले हफ्ते पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। गुजरात के सूरत में बुधवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। बताया गया है कि जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में आग देर रात 2 बजे के करीब लगी। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर आज यानी 29 नवंबर को 56.25% ऊपर 50 रूपए पर एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। इसका इश्यू प्राइस 32 रूपए था। वहीं सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 66,400 के करीब कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 80 अंक ऊपर 19,970 के करीब कारोबार कर रहा है।